नमस्कार, मैं हूं यास्मीन। कंगना रनौत इस समय अपनी बेबाकी को लेकर काफी ज्यादा चर्चाओं में है और इस समय एक के बाद एक कई पोस्ट सोशल मीडिया पर करते हुए कई स्टार्स पर निशाना भी साध रही है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से ही कंगना रनौत इस मामले पर खुलकर बात कर रही है। उनका मानना है कि सुशांत सिंह ने सुसाइड नहीं किया, बल्कि उन्हें इस बात के लिए उकसाया गया है कि वो इतना बड़ा कदम उठाए। हाल ही में कंगना ने एक मीडिया हाउस से बात करते हुए बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान, आमिर खान और अजय देवगन का नाम लेते हुए एक बड़ा सवाल उठाया। कंगना ने इस दौरान कहा कि आखिर सुशांत सुसाइड कैसे कर सकता है, क्योंकि उसकी आखिरी फिल्म छिछोरे ब्लॉकबस्टर थी। सलमान ने वांटेड से वापसी की, अजय देवगन ने तानाजी से वापसी की, जबकि इससे पहले वो कई फ्लॉप्स दे चुके थे। आमिर खान ने ठग्स ऑफ हिंदुस्तान हाल ही में की थी, जो कि फ्लॉप हुई थी। दरअसल कंगना ये कहना चाहती हैं कि सभी अपने करियर में फेल हुए, लेकिन किसी ने ऐसा कदम उठाने की नहीं सोची। फिर सुशांत सिंह ने सुपरहिट देने के बाद इतना बड़ा कदम कैसे उठाया? आखिर उसको कौन परेशान कर रहा था, जबकि एक सुपरहिट देने के बाद 4 साल तक का काम हो जाता है। कंगना ने एक बातचीत में करण जौहर, आदित्य चोपड़ा और महेश भट्ट जैसी हस्तियों पर सवाल उठाए थे और कहा था कि इन लोगों का आउटसाइडर के प्रति बिहेवियर बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत के आत्महत्या मामले में पुलिस लगातार लोगों से पूछताछ कर रही है और सबूत जुटाने की कोशिश कर रही है, ताकि ये पता चल सके कि आखिर सुशांत ने सुसाइड क्यों किया। खबर है कि मुंबई पुलिस ने हाल ही में पूछताछ के लिए मशहूर फिल्म क्रिटिक राजीव मसंद को बुलाया था, जिनके ऊपर सुशांत के खिलाफ नेगेटिव आर्टिकल्स छापने के आरोप लगते आ रहे हैं। इसके अलावा डायरेक्टर रूमी जाफरी से भी पुलिस ने पूछताछ की, जो कि सुशांत के साथ अपनी अगली फिल्म बनाने वाले थे। सुशांत मामले में पुलिस अब तक 35 से ज्यादा लोगों से बातचीत कर चुकी है।